और इनके जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं इनकी लोकोमोशन कैसे होते हैं इन सबको आपने एक्सप्लेन कर देना है और इस आंसर को आपको पेज नंबर वन फोर्टी फ़ोर पे गिवन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ़ द प्रोटेस्ट प्रोटोजोआ एंड गिव एग्जाम्पल्स प्रोटोजोआ जो होते हैं ये एनिमल्स लाइफ प्रोटेस्ट होते हैं इनके हैबिट्स कैसी हैं इनके काम कैसे होते हैं रिप्रोडक्शन रीजनरेशन मूवमेंट ये सारी देनी है एंड देन आपने इनके फाइलम्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है इसका आंसर भी आपको पेज नंबर वन फोर्टी फाइव पे गिवन है

क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द प्रोटेस्ट माइक्टा एंड गिव एक्सम्पल मैक्टा स्लाइम मोल्ड होता है उसका लाइफ साइकिल एक सेक्चुअल एंड सेक्चुअल दोनों को आपने रिप्रेजेंट कर देना है एंड देन ये भी आपको जो है वो पेज नंबर गिवन होगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है एक्सप्लेन द सेलियन फीचर्स ऑफ द प्रोटेस्ट ओ माइकॉटा एंड गिव एग्जाम्पल प्रोटेस्ट ओ माइकॉटा को आपने बता देना पैरासिटिक इन नेचर होते हैं और ये प्लांट्स के अंदर डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं ब्लाइट वगैरह और इनका लाइफ साइकिल जो है वो भी सब कुछ आपको पेज नंबर वन फिफ्टी थ्री पे गिवन होगा क्वेश्चन नंबर एटीन है हाउ आर द प्रोटेस्ट इंपॉर्टेंट टू द द्यूमस प्रोटेस्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि वो फूड के तौर पे एक्ट करते हैं वो इकोनॉमिकली इंडस्ट्रीज में क्या काम करते हैं वो आपके जो है वो कौन कौन, -कौन से डिजीज कॉज करते हैं वो उन सबको जो है वो आपने एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश द डिस्टिंग फ्रॉम द अदर ग्रुप्स अगर आपको याद हो कि वीडियो के अंदर मैंने पहले प्लांट्स और फनजाई का डिफरेंसेस बताए एंड देन एनिमल एंड फनजाई के डिफरेंसेस बताए और फिर उसके बाद कुछ उनके फनजाई के यूनिक करेक्टर्स को एक्सप्लेन किया ये सारा कुछ जो है वो आपको पेज नंबर वन फिफ्टी डिटेल से गिवन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कि गिव रीजन द दाई आर क्लासिफाइड एज अ सेपरेट किंगडम ये उसी तरह का आंसर है आपने बता देना सेपरेट किंगडम क्यों कहा गया क्योंकि ना वो प्लांट्स से मिलते हैं एनिमल्स से मिलते हैं क्या डिफरेंसेस हैं वो आपने एक्सप्लेन कर देने एंड देन आपने जो है वो बता देना है कि फनजाई के ऐसे कौन से यूनिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से उसको एक सेपरेट किंगडम जो है वो क्रिएट किया गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एक्सप्लेन द टर्म क्लब फंजाई ड्रॉ एंड एक्सप्लेन अ डायग्राम ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ टिपिकल मशरूम तो आपका एस का जो है वो लाइफ साइकिल गिवन है वो पेज नंबर वन सिक्सटी वन पे है उसको आपने क्लब बेसिडो माइकोटा को एक्सप्लेन करना है देन आपने एक टिपिकल मशरूम का जो है वो लाइफ साइकिल ड्रॉ कर देना क्वेश्चन नंबर है राइट द ऑफ फंगल यीस्ट आपने बताना है कि जो यीस्ट है वो बेकिंग में इस्तेमाल हो रही है में में जेनेटिक रिसर्च मैंने आपको बता दिया था कि सेल्स के अंदर यू केटिक सेल्स है तो उसके अंदर जितने भी प्रोसेसिस को आप स्टडी करोगे वो आपको हेल्प करेंगे एंड देन हम यीस्ट के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी स्टडी कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर सबसे ज्यादा यीस्ट का रोल होता है और ये सारा कुछ आपको पेज नंबर पे गिवन होगा क्वेश्चन नंबर है एक्सप्लेन द द म्यूचुअलिज्म एस्टैब्लिश इन एंड के अंदर आप तो बता देना है कि जो माइको म्यूचुअलिज्म पहले क्या होता है फंगस जो है वो दो तरह के बनाते हैं माइक्रोराइजे का माइक्रोराइजर की दो टाइप्स हैं एंडो माइक्रोराइजर एंड एक्टोमाइकोराइजे ये प्लांट ये जो फंगस होते हैं एसिडोमाइक्रोटा एंड बेसिडो माइक्रोटा इनके और आपके जो प्लांट्स होते हैं उनके दरमियान होता है हायर प्लांट्स में एंड देन आपने दे लाइक को बताना है कि लाइकन जो होता है ये साइनोबैक्टीरिया ग्रीन एल के साथ है, साथ फंगस का जो होता है वो क्रिएट होता है और इसके पर्पजेज और इसके फायदे और नुकसान वो सारे आपने एक्सप्लेन करते हैं और ये सारा कुछ आपको पेज नंबर वन पे गिवन है देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एडिबल फंजाई इसका आंसर जो है वो पेज नंबर वन सिक्सटी थ्री पे है एडिबल फनजाई जो है वो मशरूम्स आपने पिज्ज़ा पास्ता वगैरह को एक्सप्लेन करना है कि उसके अंदर यूज होते हैं देन आपने ट्रफल्स को एक्सप्लेन करना है देन फिर आपने दे बता देना है कि ये जो है वो मेडिसन वगैरह का भी आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दें एंड देन फिर उसके बाद जो है ये आपने यीस्ट का भी बता देना यीस्ट इज ऑल्सो फनजाई और वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ फनजाई फनजाई का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है आपने बता देना है रिसाइकलर ऑफ नेचर कार्बन डाइऑक्साइड लिपरेट करता है हमस की क्रिएशन होती है इंडस्ट्रीज में रोल क्या है डिजीज कॉज होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स उन सबको आपने एक्सप्लेन करना है एंड देन ये सारा कुछ जो है ये आपको पेज नंबर वन सिक्सटी थ्री पे गिवन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है एक्सप्लेन द पैथोजेनिक रोल ऑफ फंजाई पैथोजेनिक मीन्स के वो कौन कौन से डिजीजेस कॉज करता है इसके अंदर आपने प्लांट डिजीज को एक्सप्लेन करना है एनिमल्स डिजीजेज को एक्सप्लेन करना है फिर आपने ह्यूमन डिजीज को एक्सप्लेन करना है और ये सारा कुछ आपको पेज नंबर 164 पे गिवन होगा इसके साथ ही हमारे जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई आई होप आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो क्लियर हो गई होगी और आपको जो है वो आपने याद रखना है कि हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले उसकी मार्किंग स्कीम देख लेनी है कि जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतनी ज्यादा हेडिंग्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपने उनको एक्सप्लेन करते हैं इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कम्पलीट हुई दिस इज लाइबर तारीफ फ्रॉम टूटोरिया डॉट पी के साइनिंग ऑफ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर